अगली सुबह यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम लौट आए। रास्ते में उसने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया क्योंकि उस पर फल नहीं लगे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि अंजीर के पेड़ का यह श्राप इसराइल के आध्यात्मिक रूप से मृत धार्मिक नेताओं पर भगवान के फैसले का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों का मानना है कि प्रतीकवाद सभी विश्वासियों तक फैला हुआ है। यह दर्शाता है कि वास्तविक विश्वास केवल बाहरी धार्मिकता से कहीं अधिक है। सच्चा जीवंत विश्वास व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक फल अवश्य देना चाहिए। जब यीशु मंदिर पहुंचे तो उन्होंने अदालतों को भ्रष्ट मुद्रा परिवर्तकों से भरा हुआ पाया। उसने उनकी मेजों को उलटना शुरू कर दिया और मंदिर को साफ करते हुए कहा, शास्त्र कहता है मेरा मंदिर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने इसे चोरों का अड्डा बना दिया है। सोमवार शाम को यीशु फिर से बेथनी में रुके, शायद अपने दोस्तों मैरी, मार्था और लाजर के घर में।